चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं, रितेश कुमार, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 41 है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है। तो रितेश दिल्ली से हैं। रितेश, सबसे पहले आपको इस रैंक की और एनआईटी त्रिची के लिए बेटा बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। रितेश ऑनलाइन स्टूडेंट है और ऑनलाइन में रह के 41 रैंक अचीव करना क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। कई लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी तो बताओ पूरी पूरी, साथ में ये भी बताना कि आपको ऑनलाइन में क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको कैसे दूर किया और कैसे ऑनलाइन में अपनी पढ़ाई को रेगुलर, क्योंकि 41 रैंक बिना रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के आ ही नहीं सकती, कैसे मैनेज किया। मैं चाहूंगा ये सब चीजें आप बहुत डिटेल में बताएं। हेलो, तो मेरा नाम है रितेश और मेरी AIR 41 आई है। इसका तो सबसे पहला क्रेडिट है एक तो इम्पिटस गुरुकुल और दूसरा कोरोना वायरस, क्योंकि कोविड ने जो किया है ऑनलाइन स्टडी जो मार्केट में आ गई है ऑनलाइन स्टडीज, इससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि एक तो कॉलेज ऑनलाइन हो गए तो कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं रहा, और कोर्स ऑनलाइन हो गया तो हम कॉलेज और कोर्स दोनों को एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। मैंने अपियरिंग के साथ निकाला है और ये मैंने कोर्स जो है दिसंबर 2020 में इसमें कोर्स में इनरोल हो गया था, क्योंकि NIMCET का तो मैंने फरवरी से सुन लिया था लेकिन मैं तब से थोड़ा इधर उधर सर्च कर रहा था कि किधर से प्रिपरेशन करने का, किधर से देखने का, लेकिन फाइनल दिसंबर में आके मेरे को पता चला कि अभी टाइम कम है बहुत, तो कोर्स लेना चाहिए। मैंने सीधा इधर उधर नहीं देखा, मैंने सीधा सर सर को रात में 8 बजे फोन किया और सर से पूछा कि मतलब कोर्स लेना कैसा रहेगा। तो सर ने बोला कि सर उस टाइम डिनर करते, लेकिन डिनर करते करते भी सर ने बात की और सर ने बोला कि कोर्स ले लो, तो मैंने उसी टाइम एनरोल करा लिया। और मेरे पेरेंट्स ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब उसी टाइम कह दिया कि मतलब सर तो अच्छे हैं तो ले लो कोर्स। और ऑनलाइन में चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ये नहीं है कि तुम एक ही दिन में सारा पढ़ लो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, तो मैं उनको जैसे कॉलेज की क्लास है तो मैं कॉलेज की क्लास अटेंड करके उनको बाद में देख सकता था अपने कन्वीनियंस से जब मर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट तो हमेशा टाइम पे दो, चाहे तुम्हारा सिलेबस हो या ना हो, टेस्ट से तुम्हें तुम्हारी पोजीशन पता चलेगी और तुम्हें हर दिन अपने आप से बेटर करना है, किसी और से बेटर नहीं करना। टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक जो मेन टिप है जो मैं देना चाहूंगा कि इम्पिटस गुरुकुल की जो टेस्ट होते हैं उनमें एक फीचर होता है बुक मार्क्स का, जो मतलब बहुत बच्चों को पता होगा या फिर यूज नहीं करते, वो फीचर बहुत अच्छा है। जैसे सर आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज हुई है, तो आप उसको बुक मार्क करके उसमें साइड में लिख सकते हो कि क्या ट्रिक है। इससे फायदा ये होता है कि आपको जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढने हैं तो आप सीधा बुक मार्क्स में जाके देख सकते हो, ये नहीं कि आप अपने नोट्स उठा रहे हो या फिर कॉपीज में ढूंढ रहे हो कहाँ पे लिखा है। और मॉक एनालिसिस जो सर देते हैं उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा मतलब आज तक कुछ ही ऐसे डाउट्स हैं जो रह गए, लेकिन वो भी क्वेश्चन हाई लेवल के तो NIMCET में तो आते नहीं है, तो उनको करके कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता। और कॉलेज की क्लास की वजह से मैं प्रतीक सर के थोड़े लेक्चर्स कम अटेंड कर पाता था, लेकिन जो उनके लास्ट के सेशन थे कंप्यूटर के, वो मैंने सिर्फ 5 लेक्चर्स किए और उनकी बदौलत मेरे कंप्यूटर में जो है अच्छा स्कोर आ गया। और सर प्रतीक सर की रीजनिंग तो मतलब एक नंबर है, बहुत बढ़िया प्रतीक सर रीजनिंग कराते हैं, और मैथ्स के लिए तो शरद सर बहुत हैं। एक क्रेडिट और मैं अपनी मम्मी को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ऑनलाइन में लेजी टाइप का रहता था, मतलब सुबह देर तक सोना, लेकिन मेरी मम्मी को पता था मैं रात को पढ़ता हूँ, तो मेरी मम्मी को मेरे से ज्यादा वो लेक्चर्स की टाइमिंग याद रहते थे, टेस्ट की टाइमिंग याद रहते थे, तो वो हमेशा आके मेरे को बोलते थे कि, और जैसे मैं रूम में पढ़ रहा हूँ तो लागे कुछ लंच देना या फिर स्नैक्स देना, तो मैं अपनी मम्मी को भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगा बस। देखो देखिए रितेश ने काफी सारी बातें बताई, जो बातें जब बच्चे आते हैं ऑनलाइन वाले अवार्ड लेने तो बड़ी खुशी होती है कि सबसे पहले तो इसने दिसंबर में ज्वाइन किया, तो एक तरह से आपके पास 7 महीने थे क्योंकि अगस्त 7 को तो एग्जाम ही था। यस सर। और मदर ने भी काफी सपोर्ट किया, घर का भी सपोर्ट लगता। अच्छा एक और अच्छी चीज हो गई, कोविड के वजह से कुछ प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो स्टूडेंट की लाइफ में कई लोगों की स्टूडेंट की लाइफ में डिस्ट्रॉय हुआ लाइफ, तो कई लोगों ने उसका फायदा उठाया। जैसे आपने फायदा उठाया कि आपको कॉलेज नहीं जाना तो आपका मैनेजमेंट अच्छा हुआ। एक और चीज हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़ गई, तो आप बच्चे के पास एक ऑप्शन है, आप जैसे दिल्ली जैसी सिटी रहते हैं, नहीं तो पहले लोग क्या होता है कि देखा और दिल्ली चलेगा पढ़ने, पर आज ऑनलाइन में सबको दिख रहा है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है और किससे पढ़ के मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, पढ़ाते सभी हैं पर किससे किसकी फ्रिक्वेंसी मैच करे, किससे किसका समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको समझ में आ गया समय रहते हुए, और देखो उसका फायदा ये हुआ कि ऑल इंडिया 41 रैंक के साथ साथ त्रिची भी मिला और ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ा। यस सर।
ये कई सारे बेनिफिट भी हैं। तो आप सब लोगों ने बात सुनी रितेश की, तो आपको मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कुछ और बोलना चाहेंगे अपने बारे में? सर मैं अपने थोड़े फ्रेंड्स का भी नाम लेना चाहूंगा जिनका मतलब इस जर्नी में बहुत साथ रहा है। एक तो मेरा फ्रेंड है हर्षित शर्मा जिसकी AIR 33 है, वो मतलब मेरा एक टाइप का स्टडी बडी था। हम अपने मतलब डाउट सॉल्व करते थे, और मतलब जब ये बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली तो मतलब बाहर कभी साइकिल चलाने चले गए या फिर कुछ ऐसा रिलैक्स कर लिया। एक मेरा क्लास फ्रेंड है आदर्श, उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी मॉक्स में। हम लोग मतलब अक्सर जो डाउट्स रहते थे एक दूसरे सॉल्व करते थे। एक सुल्तान है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब बहुत हेल्प करते हैं मेरे जर्नी में, और ये सब टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि आसपास का जैसा माहौल रहेगा आपको वैसे ही सीखने को मिलेगा उन दोस्तों से। तो आसपास अपना माहौल अच्छा रखना, पॉजिटिव माइंड से रहने का, और बिल्कुल जो सर बोल रहे हैं वही करना। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई क्योंकि मेरे को पता था कि 6 महीने हैं और 6 महीने में मैं कोई बुक करके कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सर ने बोला DPTs करनी है और मॉक्स करनी है। मॉक्स मेरे मतलब कोर्स ज्वाइन करने 2 महीने बाद चालू हो गए थे, तो मैंने पहला मॉक दिया तो अच्छा स्कोर नहीं था, तो मैंने सर को बताया तो सर ने बोला कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। तो मेरा उस टाइम कॉनिक्स और ट्रिगो थोड़ा वीक था, तो मैं उनको स्किप कर देता था। उसके बाद ही मेरा 500 to 600 स्कोर आ जाता था, तो मैंने सोचा जब कॉनिक्स और ट्रिगो स्किप करके इतना आ रहा है तो ये करके तो और इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स उठाने शुरू किए, DPTs उठाने शुरू की। ट्रिगो से मेरे को पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं ट्रिगो में इतना कंफर्टेबल हूँ कि क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो मैं कर सकता हूँ, ये सब शरद सर की वजह से। तो बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू रितेश, अब आप ऐसे ही आगे बढ़ो, और क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ करा है तो आपके जो कॉलेज में जूनियर्स होंगे उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हम कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा मिसगाइड हो रहा है, जो भी बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको जरूर मोटिवेट करना, और ये आपकी सक्सेस जर्नी अब स्टार्ट है। अब पीछे मुड़के नहीं देखना, अब आगे देखना है और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में हार्डवर्क करना है। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू।